गाइस वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग्स। आज का सीन ये है कि अब जा रहा हूँ मैं स्कूल में। एक्चुअली स्कूल में 2-3 दिन से ओलंपिक गेम्स चल रहे हैं, इसी के कारण मैंने व्लॉग नहीं बना पा रहा था 2-3 दिन से। एंड अभी आज का कल आएगा ये व्लॉग, हम पूरा ओलंपिक में क्या क्या हुआ, डांस वगैरह सब। और अभी हम जा रहे हैं। एक्चुअली सीन क्या हो रहा है, मेरे बाइक की अपने आप रेस बढ़ रही है। कोई नहीं, ठीक है गाइस। डेस्टिनेशन पर एंड आपको एक बात बताना तो मैं भूल ही गया था। एक्चुअली 2-3 दिन से जो हमारा बाकरा का मेन रोड है जिस पे मैंने व्लॉग बनाया हुआ है, उसी रोड पे साइकिलिंग एंड स्केटिंग की रेस हुई थी। उसमें एक दिक्कत क्या आ रही थी कि बीच बीच में रोड ब्लॉक किया था स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक। तो लोग क्या कर रहे थे कि जहाँ पर स्टार्ट हो रहा था, जहाँ पर स्टार्टिंग हो रही थी, वहाँ पे लोग दादागिरी करके रोड के अंदर घुस रहे थे। वो देख ही नहीं रहे थे कि लोग बच्चे चल रहे हैं कि कुछ भी है, टचिंग हो जाएगा, बच्चे गिर जाएंगे। उनको कोई दिक्कत ही नहीं है, मतलब कि वो बस अपनी मौज में चल रहे हैं। एंड उसके कारण से 2-3 बच्चे गिरे एंड उनको उसकी कोई परवाह ही नहीं है कि वो हार गए, क्या हुआ उनके साथ। लेकिन इस बात से उन बच्चों पर बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी एंड पुलिस प्रशासन यहाँ पे एक भी बंदा नहीं था, मेन प्रॉब्लम। अगर पुलिस वाले यहाँ पे होते तो कोई भी लोग यहाँ पे दादागिरी नहीं कर पाते एंड रोड पूरा ब्लॉक हो जाता। कोई नहीं, ठीक है, तो मिलते हैं। जैसे तैसे करके कोई नहीं, हमारी रेसिंग हो गई ख़त्म। एंड अब जो प्रोग्राम होगा वो होगा स्कूल के अंदर मलखम प्रतियोगिता। मिलते हैं। साइकिलिंग एंड स्केटिंग दोनों की रेस थी जो आज ख़त्म हो गई। एंड जब अब होगी कल एक मलखम की जो होती है, रेस नहीं बोल सकते, एक प्रतियोगिता बोलो उसे, तो उसके ऊपर चढ़ के करतब करना पड़ता है, जिसका मैं आप जिसे मैं आपको स्कूल में जाकर दिखाऊंगा कि किस तरह से होता है, क्या होता है। ठीक है गाइस, तो जुड़े रहे हमारे ब्लॉग के साथ। बाय। वेलकम। तो यहाँ से होती है एंट्री एंड टेंट वगैरह तो ऐसे फट गए हैं पूरे, क्योंकि 3-4 दिन हो गए हैं। ये देख लो, टेंट बहुत बड़े किए थे, पानी की व्यवस्था फुल थी यहाँ पे। एंड जो मैं बोल रहा था कि मलखम की होगी, वो ये है मलखम, देख लो गाइस। ये ऐसा होता है इस टाइप में। एंड ये है मेन स्टेज, ले भाई सिस्टम, ये जालोर सिस्टम। ये जो था जो मेन स्टेज था, अब तो बच्चे यहाँ पे अब नई सरकार बना रहे हैं। हाँ बोलो जय श्री राम। हेलो, क्या नाम है भाई? जालोर। कहाँ से? हाँ बोल भाई। अच्छा, क्या लेने आए थे? बाघ साइकिलिंग के लिए। अच्छा, ओलंपिक्स में। हेलो, कौन से पोजीशन पे आए हो? सेकंड आए हो। एंड फर्स्ट? कल फर्स्ट आया। नून, आप सेकंड आए हो भाई? फर्स्ट, कांग्रेट्स। एंड कांग्रेचुलेशन तक है। वैसे सिस्टम वैसा बोले हैं, सिस्टम ये बचड़ा ये वैसे ये बचड़ा। और सुरेश जी न्यूजीलैंड। एंड यहाँ पे चला है फुटबॉल, वॉलीबॉल बोले हैं। कोई नहीं, कुछ ना कुछ तो बोले ही हैं। तो हम आ गए स्कूल में, हम आ गए हैं भाकरों में।
तो कैसे हो पाड़े और बसी हो तो कैसे हो गाइस बोलो जय श्री राम तो कैसे हो क्या नाम है आपका चश्मा लगाओ ना ये क्या करना भाऊ सिस्टम सिस्टम अरे वाड़ो वाड़ो क्या सिस्टम 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 क्या होता है सिस्टम क्या होता है सिस्टम खुद का सिस्टम बनाओ भाई खुद का सिस्टम बनाओ मजे में क्या मजे सिस्टम को मजे में बोलते हैं क्या पागल है क्या पागल नहीं आता है द्रावड़ हुआ ये पढ़ा के व्यापारी है नींबू अरे सन एक बात आए अपना नवो स्पीकर लाइयो बोलवारो माइक मोटो सिस्टम दंडाई छे अन्ना के हाड़ी दुबई थी एक्चुअली मंगाई तू के जे टैक्स वैक्स कटे करे ने हाड़ी 32 लाख में आयु है घरे गारंटी कतरी है गारंटी वारंटी नहीं है पुराना माल लाइयो गारंटी बन नहीं है गारंटी तो बस एन आदमी री है आपरो नीचो तू तो आपरे रेडी है ઈજા હે કોણે એતા માં 12 દોસ્ત હે કૈયા એ એતા હારે માં 12 દોસ્ત હે તો 12 દોસ્ત તો ઘરે રાખે ને ટકાય અરે આતર ટેબી આવી જાય ચડાવા દી દે કા ચડાવા લી દે કણે અરે તન નકા તને થે લી દે મે તો ને લી દે તો કી વાત કરે એતા લી દે ને 12 દોસ્ત લી દે ને 12 દોસ્ત લી દે નો બોલનો હા કા હો તો કી બે ભોગ નામ તો हम आए थे जैसलमेर और दलपत कर रहा है डांस यहाँ पे दलपत काल जो कूद पड़ियो मेला मा कोई युवराज बेटा का हुआ थोड़ा 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 का उरे भिंडिया गाइस आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा हो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें और आपके सभी फ्रेंड्स को हमारा वीडियो शेयर जरूर करें थैंक यू